क्या बात है निजट्टा, क्या बात है। दे दे उनको, दे दे कंडी रे। गांव में ना मुझे सबसे बेस्ट पार्ट है, क्या लगता है, ये चिड़ियों की आवाज देखो बंद होगी अभी तो। देखो कितनी प्यारी चिड़िया है ये भी। अब ये सब ना आवाजें शहरों में सुनने को मिलती नहीं है, तो गांव इसलिए बहुत प्यारा लगता है। एक तो मुझे सुबह सुबह देखना बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है मुझे। सारी दुनिया इधर की उधर होगी पर पापा सुबह सुबह अपनी एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं पापा, पापा तो लगे हुए हैं कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज करने में। तो मैं लग रहा है ये रोनी है पर ये भाभी है। यो ओहो, आज बन रहा है देसी नमक और पीछे बन रही है मैक्रोनी, देसी मैक्रोनी, देसी मैक्रोनी विद देसी नमक। माल्टे भी लेकर आएंगे भाभी, फिर माल्टे भी इस नमक में खाएंगे। अभी अभी बुलावा आ गया, रोनी आया था बुलाने मुझे कि पास्ता बन गया है, पास्ता खाएंगे, मैक्रोनी सॉरी। कैसे रोनी? गजब गजब, बम मिर्च बॉय आया मेरे हिसाब से। रोनी को मीठे से भी मिर्च लगती है, रोनी को भाभी ने सही कहा, मीठे से भी मिर्च लग जाती है, बाकी हम सब के लिए तो परफेक्ट है। हाँ जलेबी खा रहा था कल और कल कह रहा हूँ मिर्च लग गई, तो इसको थोड़ी मिर्च लग जाती है मीठे से, पर अच्छा बना, बहुत सही बना स्वाद। मतलब आज रूपाली पहाड़ी पूरा पूरा करेगी। यहाँ पर एक हमारे वो दीदी हैं, वो घास काट रहे थे, रूपाली करी वो कटिंग करेगी घास की। रूपाली गाय के लिए जाएगा घास, ताई जी की गाय के लिए। उत्तरी तेरे को आते रूपाली? हाँ। सच में भाई तू तो सही काट रही बिल्कुल, शक्त है अपनी, कभी लगे कोई और ही काट रहा है। कमाल है भाई, कमाल है रूपाली। तुमने अपनी गाय के लिए भी काटा भाई क्या? भाई रूपाली ने कर दिखाया, शाबाश, क्या बात है रूपाली, तूने प्रूव कर दिया। चल ये कंडी उनको दे दे। हाँ पीठ में लगती है, पता है कैसे लगती है? नहीं। वे पिट्ठू बैग की तरह नहीं, वो बैग टांगने के लिए, देख ये देख दो साइड है ना ये देख। अच्छा। ये दो टांगने वाली ऐसे? हाँ क्या बात है, वो तो दिखाइयो शक्ल दिखाइयो। आए रुक तेरी फोटो भी ले लूं। ऐसे ऐसे करते हैं सारे। हाँ मंदिर भाई आप रूपाली देखियो, हाथ पे ना लगे रूपाली, मैं मान के तुझे आता है। और तू वैसे रूपाली गाय की वो ताई की गाय के लिए जाना है, ताई की गाय के लिए जाएगा तो आराम से रखी, मतलब रहने दे अपने, बहुत हो गया, हाथ में ना लग जा रूपाली। क्या बात है निजट्टा, क्या बात है, दे दे उनको दे दे कंडी रे। क्या बात है रूपाली, कर दिखाया तूने, तू इतनी एक्सपर्ट कब से होगी रूपाली? है? आता है मुझे सब कुछ, मतलब वहाँ पर मुझे लगा कि पालमपुर में तो मेरे को लगा कि जो गायें होती हैं वो मार्केट से घास मिल जाता होगा, मुझे देख के आ जाता है, या फिर तुम्हारे ये मंडी वाले गांव में होता है। तुम्हारे भी लगी होगी, देख किधर लगी नीचे कुंबर लगी होंगे पैरों पे। तुमने कैसे देखा हमें वहाँ? वहाँ डिमका में तो दिख गया था हमें खड़े। हाँ ये इतने कैसे लग गए तेरे को? मुझे पता ही नहीं लगा तेरी, वो रात को बजने यही बसते हैं। यस वो रूपाली जो रात को बजने नहीं बसते वो यही बसते थे। हाँ ये सामने जो है ना ये भी है, इनको भी पता है, यहाँ पे जब है ना यहाँ बज जो बारात आती है जो बोलते हैं वो बजने बसते हैं यहाँ, वो भगवान वाली बारात यहाँ पे सामने भी बसते हैं, ये हमारे घर के बिल्कुल ये यहाँ से वो बारात जाती थी ना भगवानों की। हाँ वो बारात वो बोली कि भगवानों की बारात जाएगी तो वो लाइट ही लाइट जाती है, वो एक्चुअल में दिखते किसी को नहीं। और होता क्या कि उस टाइम पर सारे गांव के जितने भी आसपास ढोल धमाक ढोल ढमो वगैरह की आवाज जाती रहेंगी। नॉर्मली क्या होगा, जितने भी लोग होंगे आसपास के गांव वाले सारे अपने घर वगैरह सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेंगे ताकि वो चमक किसी ने देखी तो फिर वो भाई बचता नहीं, क्योंकि वो भगवानों की रोशनी है, वो देख कर कौन ही बचेगा फिर गब्बर के डर से सब। हाँ वैसे वो यार सीन लगा ले, गब्बर के डर से जैसे सब चले आते थे वो बारात के डर से सब चले आते थे, और जबकि वो होती भगवानों की थी। आज रूपाली अलग से घास लेने आई थी तो देख लो पैरों पे कितने लग गए, ये देखो
तो ये लाइफ है रूपाली, पर मैं सच में मुझे बिल्कुल वो नहीं कि तू इतना नहीं है, मेरे पास पति है, वो हेल्प कर दे। अरे वो हेल्प की बात नहीं रूपाली, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतना सब वो इतनी इजीली मैनेज कर लेगी, इतना तो हम भी नहीं काट पाते भाई। वो मुझे सब आता है। क्या बात है, अच्छा कमाल करा व्यू देखो, एक एक खेत के लिए इतनी दूर दूर जाना पड़ता है घास वगैरह के लिए। ये हमारा खेत है जिसमें मम्मी रूपाली अंकल रोनी पापा सब खड़े हैं, ये भी हमारा है, ये हमारा है ओ कॉर्नर तक, और ये नीचे वाला भी हमारा है ओ वहां तक, उसके नीचे वाला है चाचा का और ताऊ का, ये हमारा है। देखो अपने खेत में आते रोनी नाचने लग गया। आज तो बहुत प्रोडक्टिव डे रह गया, रूपाली ने ताई जी के लिए घास निकाला और केले, फिर उसके बाद केले रूपाली को पसंद आ गए, रोनी ने कहा चको केले, फिर हमने केले चख लिए। रोनी 6-7 सालों से वेट कर रहा था। वही तो कोई, अभी देखो क्यों मस्त व्यू आ रहा है पूरे चौखंबे का भाई, रोनी को देखो पूरा बाहुबली बनकर चल रहा है, और रोनी सबको लग रहा है हल्का, ये बता कितना भारी है, बहुत भारी है, अभी तो लिया रोनी ने, दम निकल जाएगा इसको उठाने में, बस याद है अब आगे से मैं उठाऊंगा, चाव चढ़ा था इसलिए थोड़ा सा दे दिया। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हुई, ये लग हल्का रहा है, रोनी का भी दम निकल गया इसके अंदर। एक वो केले के पेड़ 45-50 केले होते हैं, नहीं नहीं नहीं, और यहाँ का एक केला शहर के 5-7 किलो के बराबर होता है, मोटा मोटा, तो ये लगा चलो साला भारी बहुत है, ऊपर से इसमें से ना निकल रहा पानी पानी सा, चोप सा दूध टाइप में कुछ, वो भी गंदे में लग गया मेरे, ऊपर से रास्ता ऐसा, ऊपर से व्यू ऐसा, थोड़ी देर में पहुंच वाले, बस उठा लूंगा कोई नहीं, नहीं नहीं कोई नहीं पाली, कोई नहीं, तू बस ऐसी खुश रह, बाकी सब सही है, कोई नहीं सही है, सही। अरे पाली नहीं, सच में उठा लूंगा, ये मेरे रोज का काम है, तुम शहरियों के लिए एक दिन का होता होगा, हमारे रोज का नहीं पता, हमारा रोज क्या है गाइस, आप पिज्जा बर्गर खाने वाले, हम यहाँ देसी दाल खाने वाले लोग, पिज्जा बर्गर खाएगी तो हो गया तेरा काम। अभी हम ना कागजी तोड़ रहे हैं, कागजी देखो ये नींबू का पेड़ है, रूपाली तोड़ रही है, रूपाली वो देखो बहुत कांटे हैं उसमें, रूपाली बहुत बहुत कांटे हैं उसपे, ये पीले वाली तोड़ा, हाँ ओ दिखाइए, हाँ ये एक ये तोड़ बेटा, कौन सी एक है, ये जैमर, ये तोड़िए नीचे पीला पीला सा तोड़ पाली कोई, चल गुड, ये तोड़, शाबाश, चल घास काट पीट के केले वगैरह लेकर आगे सारे के सारे, और सबसे प्यारा व्यू जो मुझे सुबह उठते देखना होता है और अभी भी देखना होता है, देखो कैसे लाल दिख रहा है, वहां बैठे हमारे महादेव, कल हम निकल जाएंगे शायद, आवाज देहरादून के लिए निकल रहे हैं, सारे सामान चक्कर ले जा रहे हैं, उसको देखो गाड़ी तक तो सारा सामान ले जाना ही पड़ेगा, आगे अंकल जा रहे हैं, आज शायद देहरादून रुकेंगे, देहरादून में घूमेंगे वगैरह, वहाँ की मार्केट वगैरह खाएंगे पियेंगे, फिर नेक्स्ट डे जाएंगे कार चंडीगढ़। सबसे मुश्किल पार्ट आ गया ये गुफा वाला, यहाँ पर झाड़ियों के बीच में झुक झुक के चलना पड़ रहा है, सबसे मुश्किल है, पापा भी आगे ये इतना भारी है ना, एक तो यहाँ पर पीठ वाले बैग कामयाब है, ये नीचे वाले नहीं, बस अब सफर शुरू कर रहे हैं, यहाँ सामान लेकर आगे धारी देवी आगे हो रहा, ये है धारी देवी पानी के अंदर, अभी हम फिलहाल देहरादून पहुंच चुके हैं, खाना पीना खाने आए हुए थे, मोमोज काफ़ी दिनों से निकाले थे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोमोज मंगा लिए, सारों ने खाना पीना शुरू भी कर दिया, ये ही थमरे भाई, ये नहीं थमरे, पर चलो पहले खा लेते हैं, पहले पेट पूजा कर लेते हैं, अभी अभी जस्ट पहुंचे हैं।